শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। যামহে ভাগবত স্বরূপম যম ব্রব্রজন্ত মনোপেত মপেত কৃত্যম দৈপায়ন বিরহকা তরাজুহাব পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবভিনেদো তন্তরহূতহৃদয়ম মুনিমানতোস্মি নারায়ণম নমস্কৃত্যম नरम देव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरयति। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरिर्नाम 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 केवलम गति। श्री श्री गुरुवरांग ग्रंथ विचारी राधा वृंदावन चंद्र एवं हमारे परम पूज्य प्रादर्शनीय श्री श्री बाबा महाराज जी तथा श्री श्री राम भैरवी बाबा महाराज के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूँ। और दामोदर मास में बाबा महाराज जी की आज्ञा से पानी को पवित्र करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान की कुछ पावन लीला का कीर्तन करेंगे। हम श्रवण कर रहे थे भगवान की दिव्य बाल लीला नामकरण संस्कार और बाल लीला आदि हमने श्रवण किया। गर्गाचार्य जी ने नाम रखा ठाकुर जी का कृष्ण। ये कृष्ण नाम इसमें क्या अमृत भरा है इसका कोई बता नहीं सकता। हमारे रूप गोस्वामी पाद विदग्ध माधव नाटक में ये लिखे हैं कि नंदीमुखी पूर्णमासी देवी को कह रही है, तुंडे तंड विनिधतिम्बित नुते तुंडावली लब्ध है कन्नत क्रोर कणम विनि घटयते कर्णामृतेभ्यो स्वः कर्णामृतेभ्यो स्पृहा चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृते नो मे जानकी अधिरमृते कृष्णेति वर्णद्वये नो जान जनकी कियद्भिरमृते कृष्णति वर्णद्वये। ये कृष्ण ये दो अक्षर वाला ये शब्द इसमें क्या अमृत भरा है या कौन सा अमृत सागर से ये उत्पन्न हुआ है जब ये जिह्वा में जब नृत्य करता है तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जिह्वा प्राप्त करने का मन में इच्छा होता है, लाखों मुख प्राप्त करने का मन में इच्छा होता है। और जब ये कर्ण कुहरों में प्रवेश करता है ये शब्द करोड़ों करोड़ों कर्णामृतेभ्यो स्पृहा करोड़ों करोड़ों कर्ण प्राप्त करने का इच्छा होता है। और जब हृदय में प्रवेश करता है ये शब्द तो सारे इंद्रियों को वृत्ति को स्तब्ध कर देता है, सारे इंद्रियों की वृत्तियां स्तब्ध हो जाता है। ये क्या अमृत इसमें भरा है ये कृष्ण ये शब्द में मैं जानता नहीं। वैसा अद्भुत महिमा कृष्ण नाम का। कृष्ण मतलब
जो सबको आकर्षण करते हैं, और आकर्षण करके परमानंद को देते हैं, वो कृष्ण है। और इसीलिए कृष्ण नाम सबसे मीठा, सबसे मधुर नाम कृष्ण नाम। लेकिन हम लोग बद्ध जीव, मायाग्रस्त जीव, यद्यपि हमारा भगवान से नित्य संबंध है, फिर भी हम माया देहाभिमान करके हम भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं सबसे बड़ा दुख की बात है। इतना माधुर्य से भरा कि भगवान का नाम, महामहिमामय नाम हम नहीं करते हैं, नाम जब कीर्तन नहीं करते हैं, इसीलिए बड़ा दुख की बात है। थोड़ा एक भजन थोड़ा गाएंगे। कृष्ण नाम तो भजले मनुआ, भव सागर तर जाएगा। कृष्ण नाम तो भजले मनुआ, भव सागर तर जाएगा। जो ना तूने भजन किया तो फिर पीछे पछताएगा। जो ना तूने भजन किया फिर पीछे पछताएगा। कृष्ण नाम तो भजले मनुआ, भव सागर तर जाएगा। कृष्ण नाम तो भजले मनुआ, भव सागर तर जाएगा। जो ना तूने भजन किया तो फिर पीछे पछताएगा। जो ना तूने भजन किया तो फिर पीछे पछताएगा। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। धन दौलत अर माल खजाना, धन दौलत अर माल खजाना, संग नहीं कुछ जाएगा। इस दुनिया से रिश्ता तेरा एक दिन सब छुट जाएगा। दो दिन यहाँ पड़ा है मूर्ख, फिर सच्चे घर जाएगा। जो ना तूने भजन किया तो फिर पीछे पछताएगा। जो ना तूने भजन किया तो फिर पीछे पछताएगा। कृष्ण नाम तो भजले मनुआ, भव सागर तर जाएगा। कृष्ण नाम तो भजले मनुआ, भव सागर तर जाएगा। जो ना तूने भजन किया तो फिर पीछे पछताएगा। जो ना तूने भजन किया तो फिर पीछे पछताएगा। जय जय श्री राधे। ऐसा भगवान का नाम का बड़ा अद्भुत महिमा यहाँ पर प्रिया कुंज में हमारे परम पूज्यपाद बाबा महाराज जी के सानिध्य में नित्य प्रति कीर्तन होता है। आगे कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आगे भगवान की दिव्य मक्खन चोरी की लीला का वर्णन है। और गोपियां ठाकुर जी का दर्शन के बहाना से, दर्शन की इच्छा से आते हैं, और उलाहना देने की बहाने से आते हैं। यशोदा माता को कृष्ण के नाम में बहुत उलाहना देते हैं। और कोई गोपी कहती है, यशोदा मैया तुम्हारे लाला हमारे बछड़ों को खोल देता है। यशोदा मैया बोली, अच्छा बात है, गोदोहन के समय बछड़ों को खोल देता है। नहीं मैया, पहले ही खोल देता है। और गोदोहन के समय मैं जब कहती हूँ अरे लाला नेक खोल दे बछड़ों को, तो कहता मैं तेरा क्या नौकर हूँ क्या, तेरा हाथ काम नहीं करता है।
मैं इतना वचनों खोलूंगा, ऐसा कहता है। और मक्खन चोरी करके खाता है हमारे घर में, आदि आदि अनेक प्रकार गोपियां उलाहना देती है। लेकिन मन में इच्छा है श्याम सुंदर को थोड़ा दर्शन मिल जाए। तो ठाकुर जी एक बार ग्वाल वालों को सब बुलाया, मेरे सखाओ आओ मेरे पास, एक नया खेल खेलेंगे। क्या खेल? ना चोरी करने का खेल। तो सखा लोग बोले, अरे कान्हा ये चोरी करना अच्छा बात नहीं, बड़ा गलत बात है, चोरी करना ठीक नहीं। ठाकुर जी बोले, ये हम तो कोई धन पैसा धन नहीं चोरी करेंगे, मक्खन चोरी करेंगे, खाने पीने का वस्तु चोरी को चोरी नहीं कहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं खाने पीने का वस्तु को चोरी करने से उसको चोरी नहीं कहा जाता है, हम मक्खन चोरी करेंगे। देख तुम्हारा घर में इतना गाय है, सब मक्खन होता है, कहाँ जाता है ना, हमारी मैया मथुरा में बेच देती, तभी तो तू दुबला पतला है, हड्डी हड्डी दिखाई दे रहा है तेरा। और क्या करें, गो हमारी मैया बेच देती है, अरे गो सेवा करेंगे हम और मक्खन खाएंगे मथुरा के बच्चे, मथुरा के बच्चे मक्खन खाते खाते पहलवान हो जाएंगे और तुम लोग डेढ़ हड्डी के रह जाओगे, इसीलिए हम गो सेवा करेंगे, हम ही मक्खन खाएंगे। पर मक्खन की चोरी को चोरी नहीं कहते हैं। बोले तेरे घर में तो इतना गाय है, लाखों गाय है, तू क्यों चोरी करेगा? अरे तुम लोगों का दशा देख के मुझे बड़ा दुख हो रहा है, इसीलिए हम मिलके चोरी करेंगे। जाओ पहले अपने अपने घर में चोरी करो, अपने अपने घर में चोरी करो। ठाकुर जी फिर अपने घर में चोरी करना प्रारंभ किया। ठाकुर जी रे चोरी मक्खन निकाल के खा रहे हैं, मणिमय स्तंभ है उसमें ठाकुर जी का प्रतिमूर्ति दिखाई दे रहा। ठाकुर जी कहते हैं किसी को बताना नहीं, और मैं जितना खाऊंगा तुझे भी उतना खिलाऊंगा, किसी को बता मैया को बताना नहीं। तो ऐसे कहते खुद भी खाते हैं और प्रतिबिंब को भी खिलाते हैं। जोशदा मैया आई, बोली लाला क्या कर रहा है? देखा तो मक्खन हाथ में मुंह में सब। अरे लाला क्या हुआ तेरा? ना मैया देख ये कहां से चोर आ गया, हमारे घर में घुस गया, प्रतिमूर्ति को दिखा के कह रहे हैं ये चोर कहां से आ गया, मैं ना गुस्सा होता हूं तो वो भी गुस्सा हो जाता है, चोरी करके हमारे घर में खाता है। मैया मुझे तुम ये नहीं सोचना मैं माखन चोरी कर रहा हूं, ऐसा नहीं सोचना मैं क्यों चोरी करूंगा, इस प्रकार कहते हैं। और एक बार माखन चोरी कर रहे थे ठाकुर जी, खा रहे मैया आ गई, अरे कन्हैया क्या कर रहा है? ना मैया तू जो मेरे जो मणियों का जो कंकण पहना दिया हाथ में, उसमें ज्यादा ज्वाला होता है ज्यादा, इसलिए मक्खन की मटकी में डुबा कर ठंडा कर रहा हूँ थोड़ा, तो तेरे मुख में कैसे लगा है मक्खन? ना चींटी बहुत था इस मक्खन में, चींटी निकालते निकालते वो चींटी चढ़ते चढ़ते मेरे मुख में चला गया, मैं चींटी को निकाल रहा था, मैंने मक्खन खाया नहीं। इस प्रकार मैया गुस्सा हो गई, नाराज हो गई, बहुत आंख बहुत नाराज हो गई। तो ठाकुर जी रोने लगे। जोशदा मैया बोले कोई बात नहीं, फिर जो शांत हो गए जोशदा मैया, ठाकुर जी बोले मैया बता ये घर किसका है, ना तेरा है, नंद बाबा किसका है तेरा है, और तू किसका है, तू किसका मैया है, ना तेरा ही मैया, गाय सब किसका है तेरा है, दूध किसका है सब तेरा है, मक्खन
सब तेरा, ये सब कुछ तेरा है, ब्रजोरा जी को उसमें सब तेरा है। तो ठाकुर जी बोले, अगर मेरा माखन मैं खाया तेरा बाप क्या जाता है? मेरे घर में माखन मैं खाया तेरा बाप क्या क्या जाता है? तू क्यों क्यों गुस्सा करती है? इस प्रकार ठाकुर जी बड़ा बोलते हैं। और सखा लोग भी अपने अपने घर में चोरी किया। एक सखा सब आके शाम को बताते हैं अध्यक्ष महोदय को, चोर मंडली के अध्यक्ष महोदय को बताते हैं, क्या क्या हुआ बताओ। नारे कन्हैया तेरा बात सुन के मैंने अपने घर में चोरी किया तो हमारी मैया इतना पिटाई किया, मेरा पीठ लाल कर दिया। ठाकुर जी बोले, भाई चिंता मत करो, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कभी सफल होते हैं कभी विफल होते हैं, इसमें चिंता नहीं करना भाई। इस प्रकार मैं तुम सबको सिखाऊंगा। बोले, मेरे दादा दादी में और तीन पुरुषों में कोई चोरी नहीं किया, हम कैसे चोरी करेंगे? ना मैं सिखाऊंगा, चिंता नहीं करना। ठाकुर जी चोरी करने के लिए गोपियों के घर में जाते हैं और गोपियां उलहना देने के लिए आती है यशोदा माता के पास। एक गोपी के गोपी बोली, अरे यशोदा मैया, तुम्हारे लाला हमारे घर में माखन चोरी करके खाता है। बोला, माखन चोरी करके खाता है, माखन तो खाने का चीज है, खाया तो क्या गलती किया? बोले, नहीं नहीं सखाओं को भी खिलाता है, ये तुम लोग खिलाते नहीं अपने बच्चों को, मेरा बेटा का कितना दया देखो, सबको बुला के खिलाता है, तुम लोग खिलाते नहीं, दुबले पतले हो गए तुम्हारे बच्चे। बोले, बंदरों को भी खिलाती है, खिलाता है, खिलाते हैं, बंदर भी तो ब्रज का ही बंदर है, खिलाया तो क्या गलती कर दिया? बोले, नहीं जब सब खा जाते हैं और सबका पेट भर जाता है, बंदर भी सूंघ करके चला जाता है, तो तुम्हारे लाला वो भी सूंघता है। अरे कहाँ से आई लाया 15-20 दिन का खट्टे माखन, ऐसा कह के मटकी फोड़ के चला जाता है। यशोदा मैया बोली, तुम लोग मेरे लाला को बैठा के क्यों नहीं परोस के क्यों नहीं खिलाते हो? परोस के खिलाओ। तो गोपी बोली, मैं परोस के खिलाया बुलाया, लेकिन वो तुम्हारे लाला बोला कि मैं क्या भीख मांगा हूँ, तेरे घर में खाऊंगा, मेरे घर में माखन नहीं है, जा खाना है तो मेरे घर में जा, चल मैं भीख मांगा हूँ तेरे घर में खाऊंगा। तो मैंने बोला, बोली, अरे तू चोरी क्यों करता है? बोले, चोरी का माल में बड़ा आनंद कुछ और है, चोरी का माल में बहुत ज्यादा आनंद है। इस प्रकार कहता है तुम्हारे लाला। और यशोदा माँ बोली, मैया कुछ छिके में क्यों नहीं रखते? नीचे रखते हो तो चोरी करता है, छिके में रखो। और छिके में रख के भी हमने देखा, छिके में रख के भी देखा, तुम्हारे जो कन्हैया पीढ़ा के ऊपर पीढ़ा रख के या उखल को उल्टा करके उसके ऊपर चढ़ के खाता है, और फिर भी अगर हाथ नहीं जाता है तो सखाओं को सखाओं के कंधे पर बैठ खड़े होके घोड़ा बना देता है, सखाओं को उसके कंधे पे खड़े होके खाता है। बड़े यशोदा मैया बोली, और ऊपर रखो, और ऊपर रख के भी हमने देख लिया कि वो बड़ा लकुड़ जो बड़ा लकुड़ से वो मटकी को फोड़ करके वो मक्खन खाता है। और इस प्रकार बड़ा सुंदर लीला ठाकुर जी
करते हैं। एक गोपी के घर में ठाकुर जी गए तो दूध चोरी करने गए थे। दूध छींके में रखा हुआ था और गोपी बड़ा चालाक थी, एक घंटा बांध दिया था उसमें। घंटा जो हिलता है उसी में छींका को बांध दिया। घंटा हिलेगा तो पता चल जाएगा, तब आके पकड़ लेंगे गोपियां। तो ठाकुर जी ऊपर चढ़ गए सखा के कंधे पे चढ़ गए और जब वो छूना चाहा वो मटकी को, सखा ने बोल दिया, अरे कन्हैया देख देख क्या उसमें घंटा में लगा हुआ है, वो अगर मक्खन निकलेगा जो दूध तो घंटा हिलेगा तो पता चल जाएगा, हम पकड़ जाएंगे हम। ठाकुर जी बोले मैं इतना कष्ट करके ऊपर उठा हूँ, अभी मैं तो दूध पी के ही छोड़ूंगा। घंटा को बोल ठाकुर जी बोला, अरे घंटा बता मैं कौन हूँ न प्रभु, आप तो साक्षात भगवान हो, हमारे प्रभु है आप, तू कौन है, मैं आपका दास हूँ। दास का धर्म क्या है, न आज्ञा पालन करना। प्रभु का धर्म क्या है, आज्ञा देना। तो मैं आज्ञा देता हूँ, हिलना नहीं, शब्द नहीं करना। ठीक है। तो ठाकुर जी वो छीके को नीचे से छेद कर दिया लकुट से और अंजलि बांध करके पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं। तो इसमें बीच कोई सखा नीचे जो सखा थे थोड़ा हिल गए, तो सिर पे ऊपर हिल रहा है वो छीका, ठाकुर जी के सिर के ऊपर भी पड़ रहा है और पी भी रहे, अभिषेक भी हो रहा है। वो घंटा ने सोचा तो ठाकुर जी का अभिषेक हो रहा है, हमारे जितना मंदिर में ठाकुर जी का अभिषेक होता है घंटा तो जरूर बजता है, अगर मैं नहीं अगर बाजूंगा अभी मेरा जीवन धारण करना ही व्यर्थ हो जाएगा, और इसीलिए पूरा ताकत लगा के घंटा बजा। पूरा घंटा बजा तो सब गोपियां आ गई, पकड़ लिया, आ गई, पकड़ा नहीं अभी, सब आ गए। सखा लोग डर गए, एक घंटा बज गया। ठाकुर जी बोले, अरे मैंने तुझे बोला था नहीं बजने के लिए, तूने बजा क्यों? घंटा बोला, आपने बोले थे कि मैं दूध पीऊंगा, बजना नहीं, अभिषेक के लिए आपने तो बोला नहीं था, इसीलिए मैंने बज गया। तो ठाकुर जी सब सखाओं को बोले, आप चिंता मत करो, मुंह में दूध धर लो। सब अपने सखा मुंह में दूध धर लिया और जब गोपी आई पकड़ने के लिए, पहले कृष्ण को मुंह में कुल्ला कर दिया, वो आंख बंद हो गया उसका, आंख पोछते पोछते ठाकुर जी भाग गए। इसी प्रकार सब सखा लोग भी दूसरे गोपियों के मुंह में कुल्ला करके सब भाग गए। इस प्रकार बड़ा सुंदर लीला ठाकुर जी करते हैं। और अगर घर में किसी के घर में लोग रहते हैं, चोरी नहीं हो पाता है, तो बछड़ों को खोल देते हैं और कहते हैं, अरे तुम्हारा बछड़ा वहां गाय का दूध पी रहा है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ बछड़ों को बांधो। वो लोग दौड़ते हैं बछड़ों को बांधने के लिए, इसी बीच चोरी कर ले जाते हैं। ठाकुर जी चोरी करते हैं, माखन चोरी करते हैं। और एक गोपी जोशीदा मियाँ बोली गोपियों को, तुम लोग पकड़ के लेके आओ मेरे पास, तो मैं भी मानूंगी कि मेरा लाला चोरी करता है। ठीक है, पकड़ के लाएंगे। तो एक गोपी छुपी थी और ठाकुर जी जब माखन खा रहे थे पकड़ लिया और रस्सी से हाथ को बांध दिया। ठाकुर जी बोले, अरे तुझे तो बांधना आता नहीं ठीक से, ऐसा बांधा, खोल दिया ठाकुर जी ने।
तुझे आता नहीं, मैं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा बांधने कैसे बांधते हैं, सिखा दे तुरंत, खोल देना बांध के। हाँ खोल दूंगा। तो ठाकुर जी ने वो गोपी को हाथ, दोनों हाथ को रस्सी से ऐसा कस के बांधा और खोला नहीं, खोला नहीं, और ठाकुर जी भागे, बोले अरे खोल दे लाला, खोल दे खोल दे खोल दे खोल दे लाला, ना और खोलने वाला नहीं। तो फिर उसका पति देवर सब लोग आए दो चार छह घंटे के बाद, बोले क्या हुआ, कौन बांधा है? ना नंद के लाला ने बांध दिया है, बांध के चला ले। इस प्रकार लीला करते हैं। और एक गोपी बोली कि हमारे घर में कोई गाय नहीं, दूध मक्खन कुछ नहीं, वो तुम्हारे लाला कृष्ण गए उसके घर में, और बोला ये घर में कुछ भी नहीं खाने पीने का चीज, इसमें तो आग लगा देना चाहिए इस घर में। और मैं उसका बेटी, उसका भी लाली सोई थी, उसका लंबा लंबी चोटी, वो चोटी को खट में खटिया में बांध दिया, खटिया में बांध दिया और कान में हवा कह दिया। ऐसा बहुत डर गई, घबरा गई, कोई हवा आ गया तो उठा तो और खींच रहा है, चोटी को बांध दिया है, डर के मारे वो चिल्लाई मैया मैया हवा आ गया। तो उसके गोपी आई, बोले कोई हवा भवा कुछ नहीं, और नंद के लाला ने ही ऐसा काम किया है। इस प्रकार बड़ा सुंदर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। और एक बार एक गोपी, मैं तो पकड़ के दिखाऊंगा, सब गोपियों को बोल दिया, सबने बोले नहीं कन्या को कोई पकड़ नहीं सकता, बड़ा चतुर है चालाक है, मैं पकड़ के दिखाऊंगी। तो ठाकुर जी को मक्खन खाने के समय वो पकड़ लिया हाथ को, और ठाकुर जी कितना विनती किया, छोड़ दे तेरा घर का सब काम करूंगा मैं, तेरा नौकर बन जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मानी नहीं वो कभी, नहीं आज तेरे मियाँ को दिखा के ही छोड़ूंगी। हाथ पकड़ के लेके गई जा रही है, और वो गोपी को ठाकुर जी बोले अरे गोपी तेरा ये जेठ ससुर सब रास्ते में पड़े बैठे हैं, शर्म नहीं आता है तुझे, घूंघट डालना चाहिए कम से कम, बड़े बड़े लोग तेरा जेठ ससुर सब बैठे हैं तो शेरनी की तरह चल रही है, घूंघट नहीं डालती है, शर्म नहीं तुझे आती है? तो सही बात है ठाकुर, गोपी ने घूंघट डाल दिया। बोले गोपी तू दूध निकालते निकालते मक्खन दधि मंथन करते करते तेरा हाथ बड़ा कड़वा है, बड़ा मेरा कोमल कोमल हाथ को बड़ा दर्द हो रहा है, ये हाथ को छोड़, ये दूसरे हाथ को पकड़। और दूसरे हाथ को पकड़ने जब तो उसका अपना ही बेटा को बुलाया इशारे से ठाकुर जी ने, उसका बेटा का हाथ को पकड़ लिया, पकड़ा दिया, और दौड़ते हुए नंद महल में चले गए। ठाकुर जी कहते आठ द्वार है नंद भवन में, आठ पीछे से द्वार से जाके धीरे से सो गए। और वो गोपी घूंघट तो डाली है पूरा, उसको पता नहीं किसको पकड़ा है। गोपी बोली ए जशोदा मैया आओ देखो तुम्हारे लाला को पकड़ के आया हूँ, रंगे हाथ पकड़ के आई हूँ आज, तुम विश्वास नहीं करते हो, पकड़ के आई हूँ देखो। ठाकुर जी अंदर भी सोए हैं, जशोदा मैया ठाकुर जी को बोला अरे लाला तू तो खेलने में गया नहीं? नहीं मैया मेरा, मैं आ गया, नींद आ गया, सो गया, आ जाओ, गया नहीं। इधर गोपी पुकारा, गोपी ने बुलाया, जशोदा मैया आई, क्या हुआ? देख तेरे तुम्हारे लाला को मैं रंगे हाथ पकड़ के आई हूँ, तुम यकीन नहीं करती हो, आज पकड़ के आई हूँ। जशोदा मैया को बड़ी हंसी आई, अरे गोपी तू किसको पकड़ा है देख ठीक से, घूंघट उठा के देखा तो अपना ही बेटा, एक थप्पड़ लगाया अपना ही बेटा को एक थप्पड़, तू कहाँ से आया? मैं तो कृष्ण को पकड़ के हाथ पकड़ के आई थी, तू कहाँ से आ गया?
ठाकुर जी बोले देखो देखा मिया ये लोग ऐसा ही झूठ मूठ मेरे नाम में कहते हैं, मैं गया ही नहीं देखे मेरे मेरे बारे में ऐसा कहते हैं ये लोग, तो इनकी बातों का विश्वास नहीं करना। इस प्रकार ठाकुर जी कहते हैं। बड़ा सुंदर मधुरा थी मधुर लीला हो रहा है। एक गोपी के घर में ठाकुर जी गए चोरी करने के लिए। गोपी बोला है चोर कहाँ से आ गया चोर? ठाकुर जी मैं चोर नहीं तू चोर है, मैं गृहस्वामी हूँ, ये घर का स्वामी मालिक मैं हूँ। कहने का मतलब ठाकुर जी क्या झूठ बोले क्या, ये संसार में ऐसा क्या है जो ठाकुर जी का नहीं है? हम लोग चोर है कि भगवान का चीज को अपना बोलते हैं, ये मेरा है ये मेरा है। ठाकुर जी तो सब तो ठाकुर जी का ही है। इस प्रकार बड़ा सुंदर लीला ठाकुर जी करते हैं। और क्यों लीला करते हैं, चोरी क्यों करते हैं? कि गोपियों का आनंद देने के लिए ही ऐसा लीला करते हैं। एक बार जैसा मैया मेवा आदि मिष्ठान खाने को दिया कृष्ण को, बोले मैया मैया मोहे मेवा पकवान न भावे, मेवा पकवान मुझे अच्छा नहीं लगता है मैया। तू कहती है मेवा पकवान खाने को मुझे माखन ही मुझे अच्छा लगता है, मुझे मेवा पकवान अच्छा नहीं लगता है, मुझे माखन ही अच्छा लगता है। ऐसा कहते हुए गोपी ने पीछे से सुन लिया, एक गोपी ने पीछे से सुन लिया ऐसा कहते हुए वो मन में सोच रही है क्या श्याम सुंदर क्या मेरे घर में आएंगे? जब मेरे घर में मक्खन चोरी करने के लिए आएंगे मैं थोड़ा नीचे रख दूंगा, इसे आसानी से उनका हाथ जा सके। और जब आएंगे कन्हैया जब आएंगे मेरे घर में मक्खन चोरी करने के लिए तो मैं छुप के रह जाऊंगी और उनको मैं पकड़ लूंगी, छाती से भर लूंगी, गोद में बिठाऊंगी, बहुत प्यार करूंगी, प्रेम करूंगी। मन में ऐसा सोच रही है। और ठाकुर वो घर में जाकर सुबह सुबह ही अच्छा अच्छा मक्खन बना करके छिंके पे रखा है थोड़ा कम ऊंचाई में। और मन में सोच रही है क्या क्या कृष्ण श्याम सुंदर मेरे घर में आएंगे मक्खन चोरी करने? फिर भी सोचती है क्यों आएंगे, उनके घर में क्या कमी है? दूध दही का तो कोई कमी नहीं, लाखों करोड़ों गाय है उनका, मेरे घर में क्यों आएंगे? नहीं नहीं जरूर आएंगे, जरूर आएंगे वे, और कभी बाहर कभी अंदर लज्जा शरम छोड़ करके रास्ते में भी जाके देखती है आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और क्रंदन करती है गोपी क्या मेरे घर में आएंगे मक्खन खाने के लिए? इस प्रकार ठाकुर जी तो अंतर्यामी। सूर्यदास कहे आए अंतर्यामी गोपियों ने की मन जाने, कहते अंतर्यामी ठाकुर जी गोपी का मन को जान करके उनके घर में जाते हैं मक्खन चोरी करके खाते हैं। और वो गोपी को इतना आनंद आया, गोपी को ठाकुर जी को आलिंगन किया और छाती में भर लिया, इतना आनंद आया इतना आनंद आया। वो गोपी आनंद समा नहीं पाती, बड़ा आनंद के मारे फूलती हुई चल रही रास्ते में। दूसरे गोपी ने पूछा अरे सखी तुझे इतना आनंद क्यों हो रहा है आज, क्या तुझे अमूल्य रत्न मिल गया क्या? ना नहीं बताऊ मैं नहीं बताऊंगी नहीं बताऊंगी ना बता दे हमारे तो दो शरीर है प्राण तो एक ही है बता दे। फिर मैं एक अदृश्य दृश्य दर्शन किया, मैंने अपूर्व दृश्य दिखा मैंने आज
ठाकुर जी का दर्शन किया, अपरूप दृश्य मैंने देखा है। फिर वो गोपी बता दिया दूसरे गोपी को, इस प्रकार सारा ब्रज में गोपियों को मनोवांछा पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी मक्खन चोरी करते हैं। और मैया अकेले में डांटती है, अकेले में मैया डांटती है, अरे लाला तो हमारे घर में क्या कमी है क्या, मक्खन की चोरी क्यों करता है, सब लोग ऐसा सारा ब्रज में सब प्रचार हो जाएगा, चोर है तो कोई तुझे तो बहू नहीं मिलेगी, बहू तुझे तो ब्याह नहीं होगा, तुझे बहू नहीं मिलेगी, चोरी क्यों करता है। ठाकुर जी कहते हैं अगर मैं चोरी करना छोड़ दूं तो मेरा ब्याह हो जाए, है जाएगा ब्याह है जाएगा ना, हाँ है जाएगा। ठाकुर जी कहते हैं नहीं, मेरे ब्याह में सबको लेके जाऊंगा साथ में, लेकिन दाऊ जी को नहीं लेके जाऊंगा, दाऊ जी को नहीं लूंगा मेरे भारत में, भारत में दाऊ जी को नहीं लूंगा, क्यों नहीं लेगा ना, मैं तो कारो कलूटो, अब दाऊ जी तो गोरो सो है, और वो लड़की अगर देखे कन्या वाली तो ये दाऊ जी को ही विवाह करा देगी, मेरा विवाह तो कभी हो ही नहीं पाएगा जीवन भर, इसीलिए मैं दाऊ जी को लेके नहीं जाऊंगा। एक बार उनके घर में उनका जेठानी आई थी, जसोदा मैया का जेठानी, तो ठाकुर जी को बोले, जसोदा मैया बोली लाला ताई को प्रणाम कर, चरण स्पर्श कर, तो कान में आके ठाकुर जी कहते हैं जसोदा मैया का, कहा दे मिलेगो, अगर प्रणाम करूंगा चरण स्पर्श करूंगा कहा मिलेगो, नहीं तेरा ब्याह है जाएगो, जसोदा मैया की तरह ब्याह हो जाएगो, हाँ ब्याह हो जाएगो, उनको बड़ा आनंद आएगा ठाकुर जी को कि ब्याह हो जाएगा, सुनते ही तो दोनों चरण में लिपट गए ठाकुर जी, वो ताई उनका आशीर्वाद, जा तेरा हजारन ब्याह हो जाएगा तेरा, जा मैं आशीर्वाद करता हूँ करती हूँ हजारन ब्याह हो जाएगा, 16108 तो द्वारिका में ब्याह हुआ है, अब ब्रज में तो करोड़ों 100 करोड़ गोपियाँ सब उनका ही प्रिया है। इस प्रकार बड़ा सुंदर मधुर अति मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं। एक बार की बात है, एकदा कीडमानस्ते रामद्यागोपदारकः कृष्णामृतभक्षितवान् इति मात्रे निवेदयन्। एक बार ब्रह्मांड घाट में बच्चों के साथ ठाकुर जी खेल रहे थे, और मिट्टी का ढेला गोला वो पकड़ के ठाकुर जी मुंह में भर लिया, दाऊ जी ने देख लिया और अरे कन्हैया तूने तेने का रखियो है मोड़े में, का रखियो है, बोले कर रहे कुछ कह नहीं पाते, तो मैं अभी बोलूंगा तुझे बोलूंगा, मियाँ को जाके अभी बोलता हूँ। तो फिर बलराम जी और सब सखा लोग आके मियाँ को बोल दिया, मैया लाला ने कन्हैया ने मिट्टी खायो है, जसोदा मियाँ को बड़ा गुस्सा है, आज तक तो मक्खन खाता था मिट्टी भी खाने लगा, पेट खराब हो जाएगा, हाथ पकड़ लिया जसोदा मियाँ कृष्ण का, और इतना जसोदा मियाँ को गुस्सा आ गया, ठाकुर जी डर गए, आंख में आंसू आ गया, डर गए ठाकुर जी, जब डर गए ठाकुर जी ज्यादा, तो जसोदा मियाँ देखा लाला ज्यादा डर गया है, और ज्यादा डरना ठीक नहीं, और जसोदा मियाँ बोली कस्मान मृद अदंत आत्मन, मृदम भक्षितवान रह वदन्ति तावकाशेते कुमारहस्ते ग्रजोप्ययम्। अरे चंचल बालक दुष्ट बालक, भगवान का मतलब आप बोले,
भवन मतलब आप, ब्रज में कोई आप नहीं कहते हैं, तुरता ही कहते हैं, ज्यादा बड़े को तुम कहते हैं, लेकिन ज्यादा डर गए ठाकुर जी इसीलिए मैया ऐसा बोली। अरे चंचल बालक, तुमने मिट्टी क्यों खाया? बड़े जो ठाकुर जी बोले, मैं तो नहीं खाया, तब तक पेट में निकल लिए थे, मिट्टी पूरा खा लिया था मुख में और कुछ नहीं था, तो मैंने नहीं खाया। तो सखा लोग तेरा झूठ बोलते हैं। हाँ सर, आज सुबह ही लड़ाई हो गया सखाओं के साथ मेरा, ये लोग मेरे झूठ मूठ मेरे नाम में उलाना देते हैं। ये तेरा बड़ा भाई बलराम, वो भी झूठ कहता है क्या? हाँ मैया, तू जानता नहीं, तू जानती नहीं इनको, दाऊ को, ये दाऊ बाहर से ही गोरा, भीतर पूरा काला को लुटा है, भीतर में काला है, कालो ही कालो है, बाहर गोरो है। मैं तो बाहर कालो हूँ लेकिन भीतर में गोरो ही गोरो हूँ मैं, जानती नहीं मैया? सही बात ठाकुर जी कह रहे हैं, बलराम जी तो अंदर में कृष्ण हृदय में कृष्ण ही समा हुआ है, बलराम जी के हृदय में कृष्ण ही समा रहा हुआ है, इसीलिए अंदर काला है बलराम जी, हृदय में कृष्ण है। ठाकुर जी श्याम बनने काला है लेकिन अंदर में राधा रानी है, बलराम दाऊ जी है, राधा रानी है, इसीलिए अंदर में गोरा है ठाकुर जी, बाहर काले। तो ये दाऊ ने सबको बता दिया, देखो देखो ये हमारी जो कन्हैया है ना, वो हमारा नंद बाबा का छोरा नहीं है, ये कहीं यात्रा में गए थे वहां से लेके आया है खिलौना, ये खिलौना है, देखो हमारे सब गोरे गोरे, ये कारो कलूटो कहां से आ गया, ये हमारा ऐसा कहते हैं मिया। तो ये दाऊ को तुम जानती नहीं, बाहर ही गोरो है अंदर पूरा कारो है। तो फिर ठाकुर जी कहते हैं, ना हम भक्षित वानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिन, यदि सत्य गृहस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। हे माता, मैं तो मिट्टी खाया नहीं, और यदि अगर आपको विश्वास नहीं होता है मुख देख लो। फिर मैं यहां बोली, ठीक है दिखा मुख, दिखा मुख, मुख खोल के जब दिखाया तब तो आकाश पर्वत पाताल पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र से लेकर पंच इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन बुद्धि वायु तेज आकाश पंच महाभूत सप्त पाताल सब दिखाई दिया मुख में, और वो ब्रज भी दिखाई दिया और नंद भवन भी दिखाई दिया, उसमें यशोदा मैया भी दिखाई दिया और कन्हैया भी दिखाई दिया मुख के अंदर। ऐसा देखकर तो यशोदा मैया घबरा गई, ये क्या मेरे लला के मुख में ये क्या है, ये सारे क्या है, मैं सपना देख रहा हूँ, ये मेरा बुद्धि काम नहीं कर रहा है, या ये क्या है। अंत में तो निश्चय बोले, मैं तो अंत में निश्चय में पहुंच गई कि नहीं नहीं भाई, मेरे लाला में कोई अद्भुत शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। लास्ट में तो मां ठान लिया, जान लिया ही कि नहीं नहीं ये तो भगवान ही है, उनको याद आ गया कि गोरखाचार्य जी बोले थे नारायण समोगुण, नारायण के साथ समान होगा, गुणमाला होगा, और एक बार दूध पिलाते समय भी मुझे दिखाई दिया था सारा ब्रह्मांड, उनको याद आ गया। जब बोले मैं नंद रानी हूँ, ये ब्रजमंडल मेरा अधीन है, मैं जितना गाय सबका मालिक हूँ, ये सब झूठ है, हे जो भगवान के माया में, जो भगवान को उन्हीं भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, शरण में जाता हूँ जाती हूँ। जब इस प्रकार ऐश्वर्य ज्ञान आ गया तब ठाकुर जी वैष्णवी व्यतनोत्माया
पुत्र स्नेह मई विभू। तब ठाकुर जी ने योग माया का विस्तार किया, वैष्णवी माया योग माया का विस्तार किया और योग माया से उनका सब ऐश्वर्य ज्ञान यशोदा माता का तिरोहित हो गया। और फिर जब आंख खोल के देखा तो सब भूल गई पिछले की बात। इसलिए ब्रज में माधुर्य ही सार है, माधुर्य भगवता सार, ब्रजे कैल परचार, कहा सुख व्यासर नंदन ननास्तने भागवते वन्य अच्छी ननमत कहा सुनी नाचे भक्त। जहाँ भगवान जहाँ ऐश्वर्य है वहां भगवान अधीन नहीं होते। अमा के जे बड़ माने अपना के ही न तार प्रेम बस आमी नहाय अधीन, मैं उनका अधीन नहीं होता हूँ। जो खुद को छोटा मानता है मुझे बड़ा मानता है मैं उनका अधीन नहीं होता हूँ। अपना के बड़ माने आमा के समय ही न तार से भावे हुई तार अधीन। जो खुद को बड़ा मानता है यह समान मानता है मैं उसका अधीन हो जाता हूँ। ये माधुर्य है, ये ब्रज में माधुर्य सार है। द्वारिका मथुरा आदि में ऐश्वर्य प्रधान है, ब्रज में केवल माधुर्य ही है। सखा लोग कंधे में चढ़ जाते हैं और यशोदा मैया तो आगे सुनेंगे उखल से बांध दिया। ये माधुर्य है, ऐश्वर्य ज्ञान से लीला नहीं होता है। जो लीला के लिए ठाकुर जी आए हैं यहाँ पर जो लीला होता है ये ब्रज में गोलोक धाम में वो लीला होता नहीं। इसलिए कहते हैं ओहे विधि नाथ असरा प्रचार मांगो जन्म जन्म में यही ब्रज बसी वो। हे भगवान मैं तुमको आचल प्रसार के भीख मांगता हूँ, मुझे इसी ब्रज में ही मुझे आनंद है। उसमें जन्म आदि लीला, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, होली आदि उत्सव, जन्मोत्सव वहां होता नहीं। क्यों? ठाकुर जी जन्म लेते नहीं, ठाकुर जी गोलोक धाम में जन्म लेते नहीं, यहाँ ही जन्म लेते हैं। ऐसा अनेक लीला है जो गोलोक धाम में हो नहीं पाता है, वो लीला करने के लिए ठाकुर जी यहाँ आते हैं, गोलोक धाम में होता नहीं। इसलिए वैकुंठ जनित बड़ा मधुबरी तत्व विरासोत्सवात कहते हैं रूप गोस्वामी। वैकुंठ से बड़ा है मथुरा, क्योंकि जन्म लीला यहाँ होता है। और फिर वृंदावन श्रेष्ठ है, वृंदावन से भी गोवर्धन, फिर राधा कुंड श्रेष्ठ है, ऐसा कहते हैं। कहने का मतलब जो माधुर्य भाव है, जो ब्रजभाव है, ब्रज प्रेम को कोई पाना चाहते हैं तो माधुर्य ही सारे। और फिर ठाकुर जी ने ऐश्वर्य ज्ञान तिरोहित करा दिया यशोदा माता का। और वत्सल्य में यशोदा माता और ठाकुर जी आनंद नहीं लगे। परीक्षित महाराज जी पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, नंद किम अक्रोध ब्रह्मन श्रेय एव महोदय यशोदावा महाभागा पपोजस्य हस्तनम हरि। हे भगवान, हे गुरुदेव, बताइए ये नंद बाबा ने ऐसा क्या पुण्य किया था कि कृष्ण का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उनको? यशोदा माता ने ऐसा क्या पुण्य किया कि सख्या ठाकुर जी उनके गोद में बैठ के स्तनपान कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये नंद बाबा द्रोण नाम का वसु थे रुजनम में, और उनका पत्नी धरा नाम की दोनों तपस्या किया। ब्रह्मा जी ने जब आज्ञा दिया सृष्टि पृथ्वी में जाने के लिए, सृष्टि विस्तार के लिए, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि हमको वत्सल्य में स्नेह का प्राप्त हो, मातृत्व प्राप्त हो ठाकुर जी का, ठाकुर जी का माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसा प्रार्थना किया। और तभी ब्रह्मा जी की कृपा से नंद यशोदा बन के आए हैं। यहाँ पर एक बात है, नंद बाबा यशोदा मैया नित्य सिद्ध है, साधन करके कोई नंद बाबा नहीं बन जाएगा,
नित्य सिद्ध है वो, नित्य सिद्ध परिकर है, भगवान का ही विस्तार है। और जो भजन करते हैं वात्सल्य भाव में उनको भी वही भाव प्राप्त होता है, वात्सल्य प्रेम का प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ठाकुर जी ने मिट्टी क्यों खाई, ठाकुर जी ने क्यों खाया? ये ब्रजरज का ये महिमा है, ये ब्रजधाम, ये ब्रजरज का ऐसा महिमा कि ठाकुर जी ने मिट्टी खाए, यशोदा मैया ने डांट लगाई। ठाकुर जी ने सोचा अभी तो मैं मिट्टी खा रहा हूँ तो मुझे सब डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, ऐसा मिट्टी खाऊंगा कोई बोल वो बोल नहीं पाएगा। जो ब्रह्म मोहन ब्रह्मा जी को मोहित करके ठाकुर जी बछड़ा बने, जितने बछड़े सब ठाकुर जी 84 कोश ब्रजमंडल को चार दिया जीवा से ठाकुर जी ने। ब्रजरज में प्रेम है, ठाकुर जी का ब्रजरज में प्रेम है। और कहते हैं भक्त लोग आते हैं, किशोरी तेरी चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरी चरणन की रज पाऊं, बैठे रहो कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरी चरणन की रज पाऊं, या रज को ब्रह्मादि की तर से गुणगाओ, किशोरी तेरी चरण की रज पाओ। तो कहने के मतलब राधारानी का चरण का रज प्रभुदान सरस्वती पाद ने जो राधा रसोदा निधि में वर्णन किया है, जो ब्रह्म रुद्र सुकना मनो स्मरामि। ये जो राधारानी का चरण रज, ये ब्रज रज कहते हैं, ब्रज में ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ राधारानी का चरण नहीं पड़ा है। तो इसीलिए ठाकुर जी ने आस्पादन किया प्रेमियों का चरण रज के लिए, ठाकुर जी हमेशा लालायित रहते हैं। निरपेक्ष मुनिर शांत निर्वैर समदर्शिन अनुप्रजाम्यहम नित्यम पुयेत अंग्री रेणु भी। जो निरपेक्ष मुनि शांत है, जो निर्वैर समदर्शी है, ऐसे भक्तों का चरण रज पाने के लिए पीछे पीछे मैं भागता रहता हूँ। ये तो भक्त की प्रेमी का बात है, जो जहाँ साक्षात राधारानी है, जहाँ प्रेम का सिंधु है, बस वे सिंधु साक्षात जहाँ है उनके बारे में और क्या कहा जाए। साक्षात राधारानी जहाँ है, और कहते हैं ऐसा जो भी कोई बरसाने से कोई नंदगांव जाता है, जो नंदलाला उनको जरूर देखते हैं कि मेरे प्रिया जी के चरण रज इनका शरीर में लगा है, खुश हो जाते हैं। तो राधारानी का चरण रज, इसलिए ब्रजधाम, ब्रजधाम का आश्रय करके निष्ठा के साथ अगर ब्रजरज में पड़े रहेंगे, लोटपोट होते रहेंगे निरपराध के साथ, कहते हैं ब्रजरज ही प्रेम देने में समर्थ है, ब्रजरज प्रेम देने में समर्थ है। और इसीलिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है राधारानी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, संत महापुरुषों की कृपा से हमको ब्रजरज प्राप्त हुआ है। ऐसा प्रभुदान सरस्वती पाद वृंदावन महिमा मत में कहते हैं, दूरे चैतन्य चरण करिरविरभि महान, कृष्ण प्रेमा कथम प्राप्यो बिना वृंदावने रतिम। चैतन्य महाप्रभु का लीला तो अभी पूरा हो गया है, महाकलिकाल अभी आ गया, होर कलिका, अभी कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा? वृंदावन में प्रेम, ब्रजरज में प्रेम बिना, वृंदावन में प्रेम के बिना अभी कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा? इसीलिए
कहते हैं जो ब्रजधाम को प्राप्त करके अन्यत्र घूमता रहता है वो तो महामूल्य मणि को छोड़ करके काज के पीछे भागता है। सामान्य तुच्छ विषय वो के लिए पैसा आदि के लिए जो बाहर घूमते रहते हैं। कहते हैं तुमने अपना मृत्यु को अपने मुट्ठी में रखा है क्या? घूमते रहते हो व्रत से बाहर, कब कहां मृत्यु हो जाए? कहते चंडाल का झूठा खा के फिर रहना पड़े तो मैं रहूंगा लेकिन व्रत से बाहर नहीं जाऊंगा। चंडाल का झूठा खा के रहूंगा लेकिन व्रत से बाहर नहीं जाऊंगा। ब्रज निष्ठा की बात बोले हैं प्रभुराम सरस्वती बात बोले, अगर मुझे कोई व्रत से बाहर बुलाएगा उसका जीवा को मैं काट दूंगा और जबरदस्ती अगर कोई खींच लेना चाहेगा उसका मैं हत्या कर दूंगा, लेकिन ब्रज से बाहर मैं नहीं जाऊंगा। ये धाम निष्ठा है भक्ति का जो 64 अंग है, 5 अंग मुख्य बताया गया, ब्रजवास, नाम संकीर्तन, ठाकुर सेवा, भागवत श्रवण, साधु संग। ब्रजवास एक अंग है, एक अंग साधे के वो साधे वो अंग, निष्ठा है लोग पूजे प्रेम रंग, निष्ठा होना चाहिए। आज दिल्ली चला गया, कल बॉम्बे चला गया, परसों आ गया ब्रज में घूमने, वो निष्ठा नहीं है। तो समर्थ महापुरुष है उनके लिए वो जहाँ जाएंगे वहीं ब्रज है। हम जैसे बद्ध जीव कितने करोड़ों जन्म के हमने क्या पुण्य किया था याद नहीं। गुरु वैष्णव कृपा से करुणामयी राधा ने कृपा करके अपने चरण में लेके आई है, फिर भी हम इतना दुर्भाग्य है। ठंडी आ गया चलो चले जाएंगे, ठंडी सहन नहीं होता है, गर्मी सहन नहीं होता है, तो दुर्भाग्य की सूचना है। ब्रज 84 कोष में भी ब्रज बरसाना धाम सख्यात राधारानी का अपना घर है। हमारे परम पूज्य बाद रमेश बाबा महाराज जी को किसी ने पूछा अब बरसाना में क्यों रहते हो? बोले यहाँ तो प्राकृतिक परिवेश है और राधारानी का अपना घर है, अपना घर है ये। बाबा महाराज जी भी कहते हैं बरसाना ब्रज की राजधानी, मेरे मन लगो बरसाने में जहाँ विराजे राधा राम। बरसाना ब्रज की राजधानी, बरसाना ब्रज की राजधानी क्यों? जहाँ राजा रहता वही तो राजधानी है, राजा का जहाँ घर वही तो राजधानी है। तो राधा रानी ब्रज की राजा है, राजधानी राजा मंदिर में लिखा है लाड़ली जी महाराज विराजमान, लाड़ली जी महाराज। महाराज क्यों? न राजा है, ब्रज का राजा है राधा रानी, कृष्ण नहीं। कृष्ण का तो चोरी करना आदि उनका स्वभाव है। नंद बाबा और वृषभानु महाराज सब मिलके विचार किया राजा किसको बनाए, वो तो उसका स्वभाव तो उतना अच्छा नहीं लगता, कभी कपड़ा चोरी करता है, कभी माखन चोरी करता है। तो सबने मिलकर के विचार किया राधा रानी को राजा बना जाए। उमराव में उमराव जगह है, वहां राधा रानी का राज्य अभिषेक हुआ है। सूर्य पत्नी संज्ञा आदि सब आई थी, अब बड़ा महामहोत्सव हुआ, राधा रानी का राज्य अभिषेक हुआ। तब ब्रज का राजा है राधा रानी, वो जहाँ रहती है बरसाने वही राजधानी है। इसलिए बड़ा सुंदर पद हमारे नगरीदास जी महाराज गाते हैं, नगरीदास जी गाते हैं तलहटी बरसाने की रही नित्य प्रति श्री वृषभानु सुता के हुलस हुलस गुण गाइए। तलहटी बरसाने की रहिए पीरी पोखर प्रेम सरोवर भानु खोर में नहीं है। और शांकरी खोर के भीतर चल श्री राधा सरोवर आइए। गहबर बन के बैठ लतन में राधा राधा गाइए। मोर कुटी और दान मानगढ़ भान बिलस सुख पाइए। सदा सर्वदा पर्वत ऊपर नित्य प्रति चढ़ कर जाइए। नगरी दास बास बरसानो कुंवरी दिए सो पाइए। तलहटी बरसाने के लिए बरसाने में रहिए, और क्या करना है बरसाने में रह के? नित्य प्रति श्री वृषभानु सुता के हुलस हुलस गुण गाइए, प्रेम के साथ आनंद के साथ
ब्रजभानु का राधारण का गुण गाओ, मरसाने में वास करो। और पीली पोखर प्रेम सरोवर भानु खोर में नहीं, पीली पोखर प्रेम सरोवर भानु खोर में स्नान करो। और गवर्वन के बैठ लतन में राधा राधा गाई, गवर्वन के लताओं के बीच नीचे बैठ कर के राधा नाम का गायन करो। प्रतिदिन राधा रानी का दर्शन के लिए पर्वत ऊपर जाओ। अमोर कुटी दानगढ़ मानगढ़ गढ़ विलास सुख पाई, दानगढ़ मानगढ़ विलास गढ़ में आनंद मनाओ। और नागरी दास वास बरसानो कुंवरी दिए सुपाई, बरसान वास श्री जी कुंवरी राधा रानी, श्री जी राधा रानी करुणामयी सरकार अगर प्रवास दे बरसाना वास तो बरसाना वास मिलेगा। जिनको शरीर से ब्रजवास प्राप्त हुआ नहीं उनको धाम का चिंतन करते रहना चाहिए, याद करता रहना चाहिए, रोते रहना चाहिए, हा करुणामयी हा प्राणेश्वरी। ऐसा दिन कब आएगा कि मैं सब प्रपंच को छोड़ करके हमेशा के लिए तुम्हारे चरणों में ही रहूंगा, ऐसा कहते रोना चाहिए। हम लोगों को तो राधानी कृपा से गुरु वैष्णव कृपा जो में लाए हैं, हमको विरह होता नहीं धाम का विरह, लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं वो रोना चाहिए धाम के लिए। तो रोते रोते जो जहाँ ब्रजवासी कौन है, पांच छह प्रकार ब्रजवासी बताया गया, ब्रज में जो जन्म हुआ वो भी ब्रजवासी, उसका भी मंगल होगा। जो शरीर त्याग किया ब्रज में उसका भी मंगल होगा, इसका अंतिम संस्कार ब्रज में हुआ उसका भी कल्याण होगा। और जो दीक्षा आदि संस्कार किसी का ब्रज में हुआ उसका भी मंगल होगा। और जो ब्रजवासियों का सेवा करते हैं, प्रभुदान सरस्वती पाद कहते हैं वृंदावन महिमा व्रत में, जो ब्रजवासी का अन्न वस्त्र आदि से द्वारा सेवा करते हैं, ब्रजवासी का करोड़ों गुणा फल उनको प्राप्त होगा। सबसे अच्छा तो ये है शरीर कहाँ भी रहे राधा रानी का याद करते करते धाम का चिंतन करते करते रोते रहना चाहिए, खाली रोना ही भजन है, रोना ही भजन है, सबसे बड़ा भजन है रोना। लेकिन हमको अपराध करके हृदय वज्र हो गया रोना आता नहीं। कबीर दास जी कहते हैं कबीर हंसना छोड़ दे और रोने से कर प्रीत, रोने से ही पाइए प्राण प्यारा मीत। हंसना छोड़ दे भाई, कुछ नहीं मिलेगा हंसने से, रोना सीख ले। क्रंदनम यदि आना सी किम दुर करुणा न, जो रोना सी जानता है उसके लिए ठाकुर जी दूर नहीं। इसलिए हर संत महापुरुषों ने विरह ही मांगा है, विरह का जो आनंद है साक्षात ठाकुर जी सामने आ जाने से, विरह में जो आनंद, विरह का आनंद भी बहुत अद्भुत आनंद है। इसीलिए रोना रोते रहना चाहिए। जो भी हो गुरु वैष्णव कृपा से, परम पूज्यवा महाराज जी कृपा से हमने ठाकुर जी का मधुराति मधुर बाल लीला माखन चोरी आदि लीला का हमने श्रवण किया, यदि भी हमारे योग्यता पात्रता नहीं है, बाबा महाराज जी की आज्ञा से कुछ कीर्तन किया, कथा में कोई त्रुटि हो तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। परम पूज्यपाल बाबा महाराज जी के श्री चरणों में, राम बैरागी बाबा महाराज के चरणों में, समस्त संत वैष्णव जो यहाँ विराजमान है माताएं सबके चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए यहाँ पर वाणी को विश्राम देते हैं। कल टाइम जो है 11 बजे, 11 बजे कथा होगी, कल 11 बजे कथा का आज्ञा मिला है, आदेश मिला है। और कल दामोदर लीला होने का इच्छा है। अच्छा बाबा कह रहे हैं 9:30 ही रहे, 10:30 10 बजे कथा है, बाबा महाराज जी के आदेश हुआ 10 बजे कथा है। और कल दामोदर लीला का कीर्तन करने का है। और पंचाकल्पतरु कृपा से बताया। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।